Hi, this video will help you plan, not only plan, rather it will give you a complete action mind map of 1.5 day, 2 days per day to be allocated on economics and on law. और आपको ऑर्डर भी बता दूंगी वेटेज के हिसाब से. आप बहुत दिन से वेटेज का वीडियो चाहते थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग दे दूं जिससे कि बच्चा सिर्फ उसको फॉलो करे, उसको नंबर ऑफ डेज भी पता हो, नंबर ऑफ आवर्स भी पता हो, उसको ऑर्डर भी पता हो, सब कुछ पता हो, उसका इकोनॉमिक्स, उसका लॉ एग्जाम्स के बहुत दिन पहले खत्म हो जाए. आपको बस हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट आप मैथ्स चाहते हैं या फिर अकाउंट्स का प्लानर चाहते हैं, और आपको बताना है कि आपकी परसेंटेज प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स में और लॉ में कितनी कितनी है. बताइए कम्युनिटी को, दिसंबर 23 के लिए मैं ये बात कर रही हूँ. ऑल्सो अगर ये प्लानर जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ अगर ये डाउनलोड करना चाहते हो तो CA फाउंडेशन क्लासेस के फ्री कोर्स में चले जाओ. वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फ्री शीट्स, चीट शीट्स वगैरह अपलोडेड हैं ऑलरेडी. फ्री में रजिस्टर करो, बस इसका फायदा उठाओ. चलते हैं अब अपने सेशन पे. ऑलराइट, तो हर कोई अकाउंट से स्टार्ट करता है. मैंने सोचा क्यों ना आज इको और लॉ को फटाफट से कंप्लीट करते हैं और आप हमें बताएंगे कि नेक्स्ट आप अकाउंट्स चाहते हैं या फिर मैथ्स चाहते हैं. तो देखिए मैंने तीन चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है. पर डे आपको कितना टाइम देना है, नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे, उसके साथ साथ आपको क्या क्या करना है, नॉट जस्ट स्टडिंग बट प्रैक्टिसिंग, वो कहाँ से करनी है वो भी बताऊंगी, और आपका ऑर्डर क्या रहेगा. बात करते हैं इकोनॉमिक्स की और BCK की. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी हमारे पास बहुत टाइम नहीं बचा है कि हम एक थरो स्टडी करें. ये उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत पहले पढ़ के भूल चुके हैं या फिर जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं है. जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो इसको नॉर्मली फॉलो कर सकते हैं रिविजन के लिए, उनको और कम टाइम लगेगा. ठीक, या फिर आप ये भी कर सकते हैं अगर मैथ्स और अकाउंट्स आपका अच्छे से तैयार नहीं है तो आप वहाँ पे उसके साथ यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स इतना ही पढ़े, नंबर ऑफ डेज इतना ही पढ़े और बाकी टाइम अपने अकाउंट्स और मैथमेटिक्स को दे फुल फ्लेज्ड तैयारी करने के लिए. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे. नॉट जस्ट बिकॉज ये चैप्टर नंबर 1 है, बिकॉज ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से बेस्ट फिट हो रहा है. पर डे आपको 1 आवर देना है, नॉट 1.5 आवर्स. पर डे आपको 1 आवर देना है इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स के बाद हम BCK करेंगे. माइंड यू ये आप 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे. आपको इसमें 9 to 12 मार्क्स, लोअर एंड पे 9 और हायर एंड पे आपको 12 नंबर इसमें मिल जाते हैं. इंट्रोडक्शन टू BE आपको करना है. अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इस वक्त तो आप फटाफट से किसी टीचर के शॉर्ट नोट्स, जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट नोट्स का. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड आपको सेकंड करना है बिजनेस साइकिल, और प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस हम पूरी कोशिश करेंगे कि MCQ प्रैक्टिस हम YouTube पे करवा दें. अदरवाइज हमारे ऐप पे जनरली क्या होता है कि जो हमारे वीडियोस हैं उसमें फास्ट ट्रैक वीडियोस भी पड़े हुए हैं हमारे इकोनॉमिक्स के कोर्स में, उसमें आपको रिवीजन भी मिल जाएगा और आपको गेमिफाइड मैनर में MCQ भी मूविंग फॉरवर्ड स्टार्ट होने वाले हैं. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल की. तो बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है, ये सेकंड पे आपको दिख रहा है. यहाँ पे मैंने स्टोरी टाइप्स नोट दिए हुए हैं, आप भी स्टोरी टाइप नोट्स बना सकते हो, और 3 दिन या फिर 2 दिन आपको लगाने हैं बिजनेस साइकिल में, उससे ज्यादा नहीं. और यहाँ पे भी 1 आवर पर डे का होने वाला है और अप टू 12 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारे लिस्ट में आ रहा है, वो है प्राइस डिटरमिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स. जब आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपके कुछ नंबर्स बकेट में आ चुके हैं और आपने ज्यादा टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है, 5 और 7 दिन दिया हुआ है टोटल, तो आपको अब कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि यार 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अच्छे पास से मार्क्स जो है मेरे झोली में आ चुके हैं. तो अब आपने स्टार्ट करना है एक बड़ा खतरनाक चैप्टर जो कि है प्राइस डिटरमिनेशन चैप्टर नंबर 4. इसका रिविजन भी हम लोग करवाने वाले हैं बहुत जल्द. तो 15 to 18 मार्क्स है ये बेसिकली 10 डेज या फिर 1 वीक प्लस में, 1 वीक प्लस वो तूफानी बच्चे जो फटाफट से 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं. जो बच्चे 1 घंटे पढ़ रहे हैं उनको 10 दिन लग जाएंगे इसको याद करने में. मैं जो भी बता रही हूँ अब मैं याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, तभी मैं कह रही हूँ कि रिविजन नोट्स मस्ट हैं, रिविजन नोट्स मस्ट हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, बार बार दोहराना पड़ता है. 15 to 18 मार्क्स आपके डन है. इसके बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे. इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले इसको कर ले, पहले इसको कर ले, कुछ भी चलेगा. अप टू 2 वीक्स लगेंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. यहाँ पे आप 1.5 आवर्स कर दीजिएगा, ठीक है, और क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे होंगे तो 21 to 24 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे डिमांड एंड सप्लाई. तो ये ऑर्डर रहने वाला है. आपका जो भी सवाल है कि मैम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, नोट्स कैसे कर सकते हैं, वो सब आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं. इनके साथ परचेज करना चाहते हैं तो, इनकेस नहीं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम मूविंग फॉरवर्ड कुछ टाइम बाद रिविजन सेशंस लेकर के आ रहे हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार सब कुछ पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, तो 3999 में हमारा पूरा कॉम्बो मिल रहा है, ठीक है. उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लॉ में हॉट्स क्वेश्चन, चीट शीट, प्रैक्टिस, अकाउंट्स में यही सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स में यही सारी चीज़ें, और मैथ्स के पूरे लेक्चर्स. अब ये करने के बाद हम आएंगे BCK पे. तो जब हम BCK पे आएंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो. मैं बिल्कुल ध्यान से आपको सोच समझ के सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट की जो तैयारी होती है ना उसमें हम पास होना चाहते हैं. अगर हमें 80-90 मार्क्स भी आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसमें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल अभी छोड़ देंगे, ठीक. उसके बाद रेस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं इको खत्म करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा,
और आप रिविजन नोट से बार बार इसको रिवाइज करते रहना है इस ऑर्डर में. रेस्ट सभी चैप्टर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बाद इक्वल वेटेज कैरी करते हैं. तो मैं तो कहूँगी आप दो काम कर सकते हो, या तो आप ईको खत्म करने के बाद पिकअप करो नंबर ऑप्शन वन, या फिर आप क्या करो कि वीकेंड्स पे ये सारी चीज़ें हटा दो और वीकेंड्स पे मैं कहूँगी कि BCK BCR और अपना LR स्टार्ट किया करो, ये भी कर सकते हो. ठीक, तो आप वीकडेज में मेरी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ईको की और लॉ की मेन स्ट्रैटेजी, और BCK उसके बाद करो. तो मैंने कहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने छोड़ देना है, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि यार ईको खत्म करने के बाद BCK करो, टेंशन खत्म हो जाएगी, मल्टीटास्किंग खत्म हो जाएगी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं. और फिर रेस्ट ऑल चैप्टर्स में से आप कुछ भी पिक कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 कैसे भी पिक कर सकते हो. हमारे कोर्स में इसका एक फास्ट ट्रैक मैराथन है जिसमें बच्चों ने प्रैक्टिस भी की है, रिविजन नोट्स भी मिले हुए हैं, और एक बार में 10 घंटे में आपका पूरा BCK डन हो चुका है. ठीक है, और मैं कहूंगी कि आप 3 डेज दीजिए पर सब्जेक्ट को, पर चैप्टर को, और 4 चैप्टर्स है तो टोटल 12 डेज. तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ कंक्लूजन कि 5 डेज प्लस 2 डेज प्लस 10 डेज प्लस 15 डेज एंड देन 12 डेज. ठीक, मैंने कुछ आई थिंक छोड़ दिया है, 15 डेज, 5 डेज, देन उसके बाद आपके 2 डेज, फिर ये आप देखो ना, फिर आपका 10 डेज, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके 15 डेज, और इसका 12 डेज BCK. तो 44 डेज इंटू 1.5 आवर्स और 1 आवर्स पर डे में अप्रॉक्सीमेटली आपके मैक्सिमम 67 आवर्स आते हैं मैक्सिमम. वैसे तो मैंने 1.5 लिखा था, अगर आप ऊपर देखो तो उसमें तो और कमाएंगे, राइट. तो 45 से लेकर के हाई एंड पे 60-65 आवर्स में आपकी प्रैक्टिस आई वुड से, और बहुत बेहतरीन रिविजन नोट्स और सब कुछ डन हो जाएंगे. रिविजन नोट्स अगर आप हमारा लेते हो बना बनाया, तो आपका रिविजन नोट्स का टाइम बच जाएगा. स्क्रीन पे हम बहुत बार रिविजन नोट्स दिखा चुके हैं आपको, तो हम कुछ सैम्पल रिविजन नोट्स भी आपको दे सकते हैं. आप हमारी व्हाट्सएप टीम को कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सैम्पल नोट्स दे देगी. अब हम आते हैं सबसे प्यारे अपने सब्जेक्ट पे, पेपर नंबर 2, लॉ की अगर हम बात करें तो सेम चीज मैंने लॉ के लिए बनाई हुई है. बस आंख बंद करके इसको फॉलो करो. कंपनीज जो है, तुम कंपनीज को अलॉन्ग विद योर रिविजन नोट्स, अलॉन्ग विद योर हॉट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे लॉ के रिविजन नोट्स, और ये हमारी हॉट्स असाइनमेंट है जिसको हम वीडियोस के थ्रू आपको देते हैं. हमने बहुत आवर्स का कंटेंट वीडियो का दिया हुआ है. बच्चा कुछ ना भी करे, इन क्वेश्चंस को ही देख करके जाएगा, वो पास तो डेफिनेटली लॉ में हो जाएगा. BCR की बात अलग करेंगे. तो आप सब कुछ मिला के करते हो अभी 2 महीने, तब तो आप पास हो ही जाओगे. सो कंपनीज अलॉन्ग विद हॉट्स क्वेश्चन, अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, 20% वेटेज सबसे पहले पिक करना है. ये नहीं कि ईको के BCK के बाद, मैं साथ में बोल रही हूँ कल से क्या शुरू करना है. तो ईको में ये फॉलो करना है, टाइम तुम देख लो कब करना है, और लॉ में ये फॉलो करना है. तो 20% वेटेज, 1 week 2 hours daily, 1 week 2 hours daily में आपका कंपनी याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और खूब सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. नेक्स्ट हम बोलते हैं LLP प्याम को आना है. 2 छोटे चैप्टर्स पिक करो, कंपनी बहुत बड़ा नहीं है. LLP की बात करें तो LLP 4 days में कहूंगी, 1.5 hours पर डे में कहूंगी, नॉट 2 hours. और यहाँ पे बेसिकली ये रट्टाफिकेशन टाइप का कंटेंट है. इसका एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, LLP विद अमेंडमेंट CA फाउंडेशन क्लासेस, अग्रगा खतरी डालोगे आ जाएगा. इसमें कोई पास्ट आंसर्स एज सच काम के नहीं है, क्योंकि LLP पूरा अमेंड हो चुका है. तो मूविंग फॉरवर्ड हमारे कोर्स में हम LLP के फ्रेश क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस के करवाने जा रहे हैं. इसका 10% का वेटेज है, ये आपका होगा सेकंड वेटेज. नेक्स्ट हम बात करेंगे सोगा और पार्टनरशिप की. तो सोगा और पार्टनरशिप में 25% का वेटेज है. तो सोगा यहां पे, पार्टनरशिप यहां पे, या फिर सोगा यहां पे, पार्टनरशिप यहां पे, कुछ भी कर सकते हो. तो इसका 25% का वेटेज है सोगा का, और 10 दिन मैं कहूंगी, या फिर 15 डेज में कह सकती हूँ. अगर आप 10 दिन कर रहे हैं तो 1 आवर, 15 डेज 1.5 आवर के अप्रॉक्सिमेटली 25% वेटेज है. और इसकी भी सेम प्रैक्टिस, रिविजन नोट्स के साथ प्रैक्टिस, हॉट्स क्वेश्चन असाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस, सिर्फ पढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा, पास कभी भी नहीं होगे. नेक्स्ट मैं वही बोल रही हूँ कि अगर सोगा पहले किया था, उसके बाद तुम्हारे पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ चुका है, 3 चैप्टर्स तुम्हारे डन हो चुके हैं, और अब तुम पार्टनरशिप कर लो, उसका भी 25% वेटेज है, और इसमें भी तुम 10 दिन इंटू 1.5 आवर्स, या फिर 2 आवर्स और 15 डेज. तो मतलब यार 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर के ऊपर इतनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन लाइक इट्स सब्जेक्टिव कि तुम्हारा फोकस कितना स्ट्रॉन्ग है. तुम 1 घंटे में वो चीज कर सकते हो जो दूसरा अगला बंदा जिसका फोकस नहीं है, मोबाइल देख रहा है, ये वो कर रहा है, वो 1.5 आवर्स में कंप्लीट करेगा. नेक्स्ट हम बात करें लास्ट में, जब आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि आप पास तो हो ही जाओगे बशर्ते BCR अच्छा हो, तो अब आप ICA की बात करोगे. ICA आपको लीव नहीं करना है. ICA में कुछ नहीं तो मेरे फास्ट ट्रैक रिविजन वीडियोज जो कोर्स में पड़े हुए हैं, और मेरी जो राइटिंग प्रैक्टिस हॉट्स शीट है, उसके वीडियोज अगर तुम देख लेते हो 2 बार, तो तुम ICA बहुत अच्छा कंप्लीट कर सकते हो. तो डू नॉट लीव ICA, मैक्सिमम असाइनमेंट पढ़ के चले जाओ, और इसमें मैं कहूंगी 15 डेज. तो आपको लग रहा हो कि मैम इतना दिन, अरे नहीं भैया, ईको में जैसे दिखाया था, यहां पे भी 7 डेज, 4 डेज, 10 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 46 डेज में आपका लॉ पूरा तैयार है. मैम बचे 60 डेज है, तो भैया बचे 60 डेज है, तो यहां पर भी तो 14 डेज बचे, 2 हफ्ते बच गए,
खूब मॉक टेस्ट देना हमारे मॉक टेस्ट देना या फिर जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो उसके मॉक टेस्ट देना। तो इस तरीके से 2 hours, 1.5 hours का करें तो 70 to 90 hours में आप अपना लॉबी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। जितने ज़्यादा आवर्स फोकस्ड आवर्स लगाओगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा प्रेपरेशन का, सक्सेस का। दैट्स इट दोस्तों, ये मैंने बहुत सोच समझ के कल रात से इसको बनाया हुआ है। फाइनली आज मैं इस वीडियो को लॉन्च कर रही हूँ। आपको कैसे लगा बताइएगा। और सीए फाउंडेशन क्लासेस में मात्र 3999 में हमने अपना 10,000 वाला कोर्स कर दिया है। जाइए, फुल लेक्चर पढ़िए, रिविजन लेक्चर पढ़िए, नोट्स पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जो करना है आप करिए। और हमारे बैच के बच्चे बनते हैं तो आपको 1-to-1 मेरे से इंटरेक्शन करने का भी मौका बहुत जल्द मिलने वाला है।